और रांची के बड़ा तालाब में काफी संख्या में जलकुंभी को हटाया गया है, जिसके बाद तालाब का एक बड़े हिस्से में पानी दिखाई दे रहा है। वहीं लगातार जलकुंभी निकालने का काम भी जारी है, जिसका जायजा लिया संवाददाता अंजनी। ये रांची का बड़ा तालाब है, जिसे रांची झील भी कहते हैं। इस बड़ा तालाब में जो है पहले काफी जलकुंभी हुआ करती थी, और अभी लगातार जो है जलकुंभी निकाला जा रहा है। तो पहले की तुलना में अब तालाब का जो पानी है वो दिखाई दे रहा है, मतलब काम की जो गति है वो भले थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन जो कारीगर, जो मजदूर जो काम कर रहे हैं वो हम कह सकते हैं कि एक बेहतर काम कर रहे हैं। एक बड़ा इलाका जो है, जो जलकुंभी जो फैला हुआ था उसे हटाया गया है। तो कई लोग यहाँ अपना अपना बंसी लेकर आए हैं और फिशिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक शौक होता है फिशिंग का, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ जो फिशिंग का जो स्टिक है वो यहाँ लगा हुआ है। कई लोग जो है बंसी लेकर आए हैं और मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रांची का बड़ा तालाब एक ब्रिटिश शासन काल में बनाई गई थी, इसकी अलग एक रौनक है, और इसकी खूबसूरती को बेहतर बनाने के लिए यहाँ नगर निगम भी प्रयास कर रहा है। तो हमें भी, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे साफ और सुथरा रखें। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अविदास के साथ अंजनी कुमार, रांची।